फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत दिलचस्प लेसन, जिसे सीखकर आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे हैविंग सेड दैट का इस्तेमाल कैसे करना है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आप फ्रेज वर्ड हैविंग सेड दैट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इट डजंट मीन क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इट डजंट मीन को कैसे इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको Having said that और it doesn't mean के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले having said that का इस्तेमाल देखें, उसके बाद हम it doesn't mean का भी इस्तेमाल देखेंगे। Having said that का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो पर फिर भी या इसके बावजूद भी। जैसे अगर आपको कहना हो मैं कड़ी मेहनत करता हूँ पर फिर भी मैं कामयाब नहीं हूँ, पर फिर भी के लिए आप फ्रेज वर्ड having said that का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ पर फिर भी मैं कामयाब नहीं हूँ, तो आप कहेंगे I work hard having said that I am not successful। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि पर फिर भी के लिए आप having said that का इस्तेमाल किए। आइए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह सूरत से मासूम है इसके बावजूद भी वह धूर्त है। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया गया है। She is innocent by face, यानी वह सूरत से मासूम है। Having said that, यानी इसके बावजूद भी या पर फिर भी। She is cunning, वह धूर्त है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि इसके बावजूद भी के लिए मैंने having said that का इस्तेमाल किया। आइए फ्रेंड्स लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह गरीब है पर फिर भी वह ईमानदार है। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे He is poor, having said that he is honest। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको having said that का इस्तेमाल बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। आइए फ्रेंड्स आप सीखें कि it doesn't mean क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आप it doesn't mean को कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स it doesn't mean का मतलब होता है इसका ये मतलब नहीं या इसका ये अर्थ नहीं के लिए हम it doesn't mean का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं गरीब हूँ इसका ये मतलब नहीं तुम मुझे बेइज्जत करो, इसका ये मतलब नहीं के लिए आप it doesn't mean का इस्तेमाल करेंगे। जैसे I am poor, यानी मैं गरीब हूँ। It doesn't mean, इसका ये मतलब नहीं You insult me, तुम मुझे बेइज्जत करो। तो फ्रेंड्स आपने यह देखा कि मैंने it doesn't mean का इस्तेमाल इसका ये मतलब नहीं के सेंस में किया। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है इसका ये मतलब नहीं वह अनपढ़ है। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे She does not speak English, it doesn't mean she is illiterate, यानी इसका ये मतलब नहीं के लिए आप it doesn't mean का इस्तेमाल किए। और आगे लिखा था वह अनपढ़ है तो आपने लिखा She is illiterate। आइए फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं। उसके पास बहुत पैसा है इसका ये मतलब नहीं कि वो हमें परेशान करे। तो फ्रेंड्स आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे He has lots of money, यानी उसके पास बहुत पैसा है। It doesn't mean इसका ये मतलब नहीं वो हमें परेशान करे। He teases us। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ लिखा इसका ये मतलब नहीं कि ये मैंने लिखा it doesn't mean। हो सकता है फ्रेंड्स आप ये सोचें कि मैंने इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि आजकल मैं एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ और बेसिक स्ट्रक्चर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यानी इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ना चाहें तो मैंने पार्ट 4 में हैवेज का इस्तेमाल सिखाया और मैंने वहाँ ये भी सिखाया कि इजारम और हैवेज में क्या फर्क है, वॉजवर और हैड में क्या फर्क है, शैल बी विल बी और शैल हैव और विल हैव में क्या फर्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेसिक लेसन देख चुके हैं तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको वो बेसिक लेसन आते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।